एक बार, एक बार अरे होने लगा, होने लगा, बंद कर पहले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एम्पीरियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम दूसरे टेस्टर दिखाएंगे, जो ये टेस्टर चल रहा है आप देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम चैंपियन चल रहा है मक्के के खेत पर। देखिए ये किस तरीके से चल रहा है और कितनी सफाई से कार्य कर रहा है इसमें। ये हमारे खेत के बाजू में ये भैया का खेत है। भैया बताइए, आपके खेत में किस तरीके से चल रहा है रोटरी स्लेशर? बहुत पैसे लग रहे हैं जी भैया। भैया ने बोले कि अच्छी चल रही है गाड़ी और सफाई भी बहुत अच्छी आ रही है, आप देख सकते हैं। खेत सूख चुका है, चार दिन पहले इसकी कटाई हुई है। आप देखिए रोटरी स्लेशर चल रहा है, ये 35 HP का ट्रैक्टर है ये। देखिए अभी इतना खेत हो चुका है और थोड़ा सा ही बाकी है, अभी 4-5 फेरे का। आप देख सकते हैं मक्के की फसल, वो धान की फसल बहुत कमजोरी समझ में आ रही है। ये लगभग 1.25 एकड़ के खेत में ये लगभग एक टैंक ही दाना निकला है इसमें, आप देख सकते हैं। ये देखिए धान तो बिल्कुल नीचे से ही काटा है, लेकिन ये बहुत अच्छा समाधान है पराली के लिए, जिसमें किसान को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है बोने बखेरने में। इसके बाद गेहूं की फसल बोई जाएगी इसमें, देख सकते हैं आप। इतनी बारीक नीचे से बिल्कुल 1 इंच 1/2 इंच ऊपर से ही सफाई होती जा रही है। देखिए ट्रैक्टर चल रहा है लगभग 1500-1600 RPM पे। ऐसे थोड़ा साइड ही रहना पड़ता है, बहुत RPM में चलती है गाड़ी। जैसे PTO के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। मक्के की परारी हो या धान की हो या किसी प्रकार का भी चारा हो, इसमें अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है। देखिए अभी धान के परारी सूख गई है तो कितना गर्दा उड़ रहा है यहाँ पर। अब देखते हैं कितना समय लगता है इसमें। इसी के बाजू वाला खेत जो इनके भाई का है, तो उसमें हम लोगों ने ट्रैक्टर चलाया था, तो अभी देखते हैं कि टाइमिंग का भी कितना डिफरेंस आता है। देखिए भाइयों, इसमें अभी लगभग 45 मिनट का समय लगा है, और इसी के बाजू में जो इनके भाई का खेत था जिसमें मक्का था और सेम बरूबरी का खेत थे, इसमें अभी ये 35 HP की ट्रैक्टर ने चक्रा चलाया है तो 45 मिनट का समय लगा है, और सेम कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों एक ही खेत हैं, मेड़ भी नहीं है बीच में। और ये देखिए भुट्टे में, ये भुट्टे का इतना खेत है, इसमें हमने ट्रैक्टर चलाया था पापा जी ने, तो इसमें 35 मिनट लगे थे और इसमें लगे हैं 45 मिनट। देख सकते हैं आप दोनों ट्रैक्टर के टाइम में 10 मिनट का फ़र्क है, और 1 घंटे चली गई तो कम से कम 15 मिनट का फ़र्क है, और 1 घंटे में लगभग 1-1.5 एकड़ हो जाती है, तो 0.5 एकड़ ज़्यादा ही करेगी काम। बड़े HP का ट्रैक्टर में इतना अंतर रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thank you.